सुंदरलाल जी तिवारी की शख्सियत अपने पिता स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी की तस्वीर थी। निडर, निर्भीक, स्पष्ट वक्ता और घोर राजनीतिक। कभी सोचा भी नहीं था कि पिता और पुत्र दोनों लगभग एक वर्ष के अंदर दोनों चले जाएंगे। मेरे पारिवारिक रिश्ते थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। मैं बहुत कहता था सुंदर भैया से बाईपास करा लो, जिद्दी थे, नहीं मानते थे। खैर, अब हमारे वो बीच में नहीं हैं, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और संपूर्ण परिवार को संवेदनाएं प्रेषित करते हैं और ईश्वर इस दुखद निधन को सहने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। ऐसा है कि ये इस परिवार से मेरे गहरे संबंध थे और जब आदरणीय तिवारी जी जिंदा थे वो हमें अपना पुत्र कहा करते, तीसरा पुत्र। तो इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि हमारी कितनी निकटता इस परिवार से थी। तो स्वाभाविक है सुंदरलाल जी के न रहने से, जो मेरे भाई समान थे, छोटे भाई थे, बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत गम है। और जो ये रिक्तता विंध्य संभाग की राजनीति में आई है, रीवा ज़िले में, पूरे विंध्य में, ये पूरी करना जल्दी संभव नहीं है। निर्भीक, बहुत ही प्रैक्टिकल नेता विंध्य के और मध्य प्रदेश के थे, विधायक सांसद दोनों रहे हो। और विधानसभा में उन्होंने विंध्य क्षेत्र के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश की जनता की आवाज़ को बुलंद किया और विधि के बहुत ही ज्ञाता थे वो। और ऐसे ऐसे प्रश्न विधानसभा में उठाए कि मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष तक उसमें उलझ जाते थे। ऐसे उस निर्भीक नेता को मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे परिवार को, हम सब लोगों को गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। उनको प्रणाम। आदरणीय सुंदरलाल जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और बहुत ही बेबाकी से, चाहे वो सदन के अंदर रहा या सदन के बाहर, आम जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ते थे। विधानसभा सदस्य के रूप में मुझे भी काम करने का उनके साथ अवसर मिला था। जिस तरह से वो लोगों की बातों को सदन के अंदर बड़ी बेबाकी से रखते थे और बड़े नियम कायदे के तहत रखते थे, कई बार सरकार को कटघरे में भी खड़ा करने का काम किया था। ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, हम समझते हैं हमारी पार्टी के लिए, हम सब लोगों के लिए बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है इस दुखद बेला में। हम सारे पार्टी के लोग और अपनी ओर से भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके शोकाकुल परिवार को ईश्वर इतनी शक्ति दे कि वह इस दुखद घड़ी को सहन कर सके। जी, तिवारी जी का सानिध्य मुझे विधानसभा में एक सीट पर बैठने का आशीर्वाद हमेशा पिछले 5 साल जब वो विधायक रहे तब मिला। एक बेटे को पिता जिस तरीके से शिक्षा देता है उसी तरीके से संसदीय कार्य व्यवस्था की उन्होंने मुझे शिक्षा दी और मैं समझता हूँ कि मैं जीवन भर एक ऐसा भाव जो मैं व्यक्त नहीं कर पाता हूँ उनके प्रति मेरा रहेगा। मैं और मेरा पूरा परिवार उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।